नमस्कार दोस्तों, YouTube News 24 के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, IPL 2021 का 52वां मुकाबला हैदराबाद और बेंगलोर के बीच में खेला गया, जहां पर आखिरी ओवर डालने के लिए आए थे भुवनेश्वर कुमार हैदराबाद की ओर से और RCB को जीत के लिए चाहिए थे। आखिरी ओवर में 13 रन स्ट्राइक पे थे AV डिविलियर्स, मगर भुवनेश्वर कुमार ने ऐसी घातक गेंदबाजी करी कि AV डिविलियर्स को पस्त कर दिया और जीते हुए मुकाबले को हार गई RCB की टीम और हैदराबाद की टीम ने हारे हुए मुकाबले को जीत लिया। अभी भुवनेश्वर कुमार को महान खिलाड़ी विस्फोटक गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को एक दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले RCB के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। इनका ये फैसला गलत साबित कर दिया भुवनेश्वर कुमार ने, क्योंकि सबसे पहले तो हैदराबाद ने बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोने के बाद 20 ओवर में 141 रन का स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगा दिया और अब RCB की टीम इस स्कोर को चेज करने के लिए मैदान में उतरी, मगर दोस्तों बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए ग्लेन मैक्सवेल और देवदत्त पाडिकल को छोड़कर। और अब आखिरी ओवर में यानी कि 6 गेंदों में RCB को जीत के लिए चाहिए थे 13 रन स्ट्राइक पे थे AV डिविलियर्स के साथ जॉर्ज गार्टन। दोस्तों, पहली गेंद डाली भुवनेश्वर कुमार ने जॉर्ज गार्टन की ओर से खाली निकाल दी वाली गेंद, उसके बाद दोस्तों दूसरी गेंद पर जॉर्ज गार्टन ने एक रन दे लिया और स्ट्राइक पे आ चुके थे AV डिविलियर्स। तीसरी गेंद खाली निकाल दी AV डिविलियर्स ने और भुवनेश्वर कुमार की चौथी गेंद पर AV डिविलियर्स ने एक घुमा के छक्का लगा दिया। उसके बाद दोस्तों RCB की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई कि इस मुकाबले को RCB की टीम अब जीत जाएगी, क्योंकि आखिरी दो गेंदों में जीत के लिए 6 रन की दरकार थी, स्ट्राइक पे AV डिविलियर्स थे। मगर दोस्तों पांचवी गेंद भुवनेश्वर कुमार ने AV डिविलियर्स के हाथों खाली निकाल दी और आखिरी गेंद पर 6 रन की दरकार थी RCB की टीम को जीत के लिए, मगर आखिरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने 6 रन नहीं लेने दिए और एक रन से ही काम चलाने दिया। भुवनेश्वर कुमार की घातक गेंदबाजी को आप 10 नंबर में से कितने नंबर देना चाहोगे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना था, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, देखते रहिए YouTube News 24।